लिए बहुत प्रेरित हूँ, बट मैं सारे सिंगर्स को बहुत ज़्यादा सुनती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उनकी जो बेस्ट क्वालिटीज़ हैं क्या होता है। सिंगिंग एक जरिया है एक बात को कहने का, और उस कहने के लिए हर सिंगर का अपना एक तरीका होता है। तो जब आप सुर वही सात सुर हैं लेकिन जब सब गाते हैं तो अलग अलग साउंड करते हैं बिकॉज उनकी अप्रोच अलग होती है। तो आई थिंक वो मैं टीवी और पॉलिटिक्स दोनों ही कदम बढ़ा रहे हैं, क्या कहना है आपका, क्या कारण है? सभी नहीं, लेकिन जो लोग ये चीज दोनों को निभा सकते हैं अच्छे से वो लोग इस क्षेत्र में भी आ रहे हैं। एंड आई थिंक दैट इज ऑल्सो ग्रेट बिकॉज मैं समझती हूँ एक कलाकार होना ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है और बहुत मुश्किल से हमें अपने लिए वक्त मिल पाता है कभी भी। तो अगर वो दूसरे क्षेत्रों में भी अपने आप को अच्छे तरीके से निभा सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, और वो काफी सशक्त इंसान होंगे जो ऐसा करते हैं। लगातार देखने में आ रहा है कुछ पुराने सॉन्ग से दोबारा रिमिक्स होते नई मूवीज में आ रहे हैं। जी, क्या मान रही है कि लिरिक्स राइटर्स कम हो रहे हैं क्योंकि लगातार पुराने सॉन्ग्स को ज्यादातर अपडेट किया जा रहा है? जी नहीं, क्योंकि लोग लाइक कर रहे हैं, ऐसा मानना है कि जो पुराने गाने जो ऑलरेडी हिट है वो लोगों के दिमाग में है, बट जो न्यू जनरेशन है वो उन गानों को उतना नहीं जानती और वो गाने अपने आप में बहुत बड़े हिट है। तो जो कंपनीज हैं या जो प्रोड्यूसर्स हैं जो डायरेक्टर्स हैं वो सोच रहे हैं कि जो नई पीढ़ी को नहीं मालूम है गाने की ये हिट गाने भी हैं, तो उन गानों को रिवाइव किया जा रहा है। मतलब आधा मौसम की शुरुआत है, आधा मौसम पहली बार आधा में आयोजित किया गया, आज आप उसके मंच पे जाएंगे, क्या कहेंगे? मुझे बहुत खुशी हो रही है ताजमहल के पास आके, वैसे भी मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है हमेशा हर बार, और यहाँ के जो सुनने वाले श्रोता हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, दिल से सुनते हैं और खड़े हैं। आप अच्छे हैं तो लाइक करते हैं, नहीं है तो वो भी मुंह पे बता देंगे कि भैया हमें नहीं पसंद है, तो दैट इज वेरी गुड। ये मैं लाइक करती हूँ, वो उसके लिए आपको महोत्सव पे आना पड़ेगा, दिस इज चीटिंग। आई थिंक आपको उसके लिए आना चाहिए क्योंकि मैं बिल्कुल डेफिनेटली, और उसमें बहुत सारे अलग अलग नंबर्स देखा। हाँ जी, ये म्यूजिक इंडस्ट्री मीटू से अच्छी होती है? मीटू से मेरा पाला अभी तक नहीं पड़ा क्योंकि मैंने उतना ज्यादा स्ट्रगल ही नहीं किया। मैं मतलब थैंकफुल हूँ भगवान जी का बहुत ज्यादा। सही मानती हूँ या गलत? कैंपेन मीटू कैंपेन बिल्कुल सही है, अपनी बात कहने का सबको हक होता है, और जो लोग उस वक्त नहीं कह पाए वो आज किसी ने एक ने आवाज उठाई तो काफी लोगों ने आगे आए हैं और अपनी बात कह रहे हैं, और अच्छी बात है, बट उससे पता चल रहा है कौन कैसे है। लेकिन हाँ, उसकी प्रॉपर जांच भी होनी चाहिए क्योंकि इसकी आड़ में कई लोग गलत सलत भी कर सकते हैं। आई डोंट नो, हाँ वी आर डूइंग अ रीसेंट एल्बम जो आई थिंक नवंबर में दिवाली पे हम लोग रिलीज करने वाले, बोहेमिया के संग मैंने एक रैप सॉन्ग किया है विच इज वेरी डिफरेंट बिकॉज बोहेमिया हमेशा डांस नंबर्स करते हैं, और हमने इस बार पहली बार सैड सॉन्ग किया है बोहेमिया के साथ पंजाबी सैड। आपको जल्दी मिल गई थी? हाँ जी, ओके। मैंने ज्यादा स्ट्रगल नहीं किया, मैंने स्टेज शोज के थ्रू, मुझे ललित जतिन ललित जी से मुलाकात हुई, ललित सर ने मुझे बुलाया एंड मुझे मुन्नी बदनाम गाना मिला। मुन्नी बदनाम के बाद लगातार मुझे गाने मिले जो कि बैक टू बैक हिट्स थे, और अभी भी रिसेंट आई थिंक दशहरा मूवी में मेरा गाना आया है जो याना गुप्ता पे पिक्चराइज है। तो अभी तक वी आर जस्ट डूइंग दैट ओनली, और उसके लिए मुझे कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। तो स्ट्रगल जब आप नहीं करते तो आप ऐसी चीजें आई डोंट थिंक फेस करते। आपको अपना कौन सा गाना सबसे अच्छा लगा? मुझे अपने गाए हुए सभी गीत बहुत ज्यादा पसंद है। कोई एक अगर? सभी गीत, पहला गीत हर किसी को पसंद होता है, मुन्नी बदनाम मेरी पहचान है तो मुझे वो गीत पसंद है। अनारकली डिफरेंट जॉनर था मेरे लिए, फर्स्ट टाइम क्लब नंबर था, वो मुझे बहुत पसंद है। कोई ऐसा गीत जिसको गाने की आपकी पुरानी इच्छा रही हो, जिसको भी ऐसा लगता है कि किसी बड़े कलाकार ने गाया, लता जी ने गाया या आशा जी ने, जो भी गीत आशा जी के गीत जो आप गाना चाहती हैं? ऐसे तो बहुत सारे गीत हैं, मैं स्टेज के माध्यम से गाती भी हूँ, जैसे लास्ट टाइम मैंने तुम जो मिल गए वो गाया था, वो मेरे को बहुत पसंद है गीत। लंबी जुदाई में अक्सर गाती हूँ अपने गानों में, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। नुसरत साहब के लेटेस्ट हिट्स हैं जो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आई ट्राई टू डू दैट, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें निभा सकूँ।